गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बिल्कुल सही हैं सबके साथ एंड अपनी स्टडीज भी अच्छे से कर रहे हैं. आप लोग जानते हैं दैट यू आर इन 8th बोर्ड स्टैंडर्ड एंड एज योर एग्जाम्स आर वेरी क्लोज टू यू, नॉट वेरी फार वी कैन से. सो आई होप यू ऑल हैव बीन नाउ सीरियसली टेकिंग अप योर स्टडीज. सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ स्टडीज, वील Now move on to our topic that we are going to discuss in today's class. That is, we can say हम vocabulary section का ही एक next part ले रहे हैं. That is one word substitution. One word substitution आप समझते हो, आपने हिंदी में किया होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. जैसे जो हमें दवा देते हैं या जो हमारा इलाज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चिकित्सक बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ना. तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो दिस इज नोन एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेसिकली इज द वर्ड, ये वो शब्द होता है जो किसी एक वाक्यांश या शब्द समूह के स्थान पर या उसके बदले में प्रयोग किया जाता है. मीन्स यू हैव अ सेंटेंस एक्सप्लेनिंग पर्टिकुलर वन वर्ड, सो आपको उस होल सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करना होता है, उसके बदले में आपको किसका यूज करना होता है? वन वर्ड. सो जो पूरा आपका सेंटेंस होता है ना, इस वन वर्ड की व्याख्या होती है. द वन वर्ड दैट यू आर गिविंग और जो पूरा सेंटेंस है ना, वो उसी वन वर्ड का डिस्क्रिप्शन होता है. तो उसको सो when you give one word for the group of words is known as one word substitution. ठीक है, when you have a group of word and you describe that group of word in one single word, that is known as one word substitution. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. सो आप इसको और बेटर समझ पाओगे विद फ्यू एग्जाम्पल्स. दैट इज यहाँ पे हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. सी, 100 ईयर्स. 100 ईयर्स को बेसिकली किससे जाना जाता है? 100 ईयर्स को क्या कहा जाता है? जो पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, तो कहीं पे अगर 100 ईयर्स लिखा है तो आप उसको सिंपली अ सेंचुरी भी बोल सकते हो. उसको क्या बोला जाता है? सेंचुरी. हम बोलते हैं ना एक शत, वो पूरा का पूरा, जैसे 100, कोई क्रिकेटर अगर 100 बना लेता है तो हम क्या बोलते हैं? इसने सेंचुरी बना ली. सो 100 runs इज इक्वल्स टू सेंचुरी. सो 100 जो होता है ना, इज इक्वल्स टू 1 century. नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो इसका क्या है. अर्ली पार्ट ऑफ द डे बिटवीन डॉन एंड नून. बहुत अर्ली पार्ट ऑफ द डे जो होता है एकदम डॉन टाइम से लेके नून टाइम के बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज मॉर्निंग. सो मॉर्निंग का पूरा, इस पूरे सेंटेंस का एक वर्ड क्या होगा? मॉर्निंग. थर्ड इज अ पर्सन हूज पेरेंट्स आर डेड. वो पर्सन जिसके पेरेंट्स नहीं है, दे आर डेड, सो उसको हम क्या बोलते हैं? हम हिंदी में अनाथ बोलते हैं ना. अनाथ का मीन क्या होता है? पूरा सेंटेंस, जिनके पेरेंट्स नहीं होते. सो ये क्या हो जाएगा? हुज पेरेंट्स आर डेड, दैट इज ऑर्फन. हम उसको इंग्लिश में वन वर्ड से जो सब्स्टिट्यूट करते हैं वो क्या होता है? ऑर्फन. वुमेन हुज हस्बैंड हैज डाइड. वो वुमेन जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? वन वर्ड में उसको क्या बोलेंगे? विडो. ठीक है, क्या बोलेंगे? विडो. वुमेन इन चार्ज ऑफ द नर्सेज इन अ हॉस्पिटल. वो वुमेन जो नर्सेस की इंचार्ज होती है इन द हॉस्पिटल इज नोन एज मेट्रन. ठीक है, क्या बोलेंगे? मेट्रन. द फर्स्ट सीजन ऑफ द ईयर कमिंग बिटवीन विंटर एंड समर. विंटर और समर के बीच में आने वाला फर्स्ट सीजन ऑफ द ईयर वो क्या होगा? स्प्रिंग. क्या होता है? स्प्रिंग. एक्सट्रीम स्केयरसिटी ऑफ फूड इन अ रीजन. जब पर्टिकुलर एक रीजन के अंदर फूड की एक्सट्रीम स्केयरसिटी हो जाती है, जिसे हम हिंदी में अकाल पड़ गया भी बोलते हैं, तो उसे इंग्लिश में वन वर्ड में क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? फेमाइन. वॉट इज इट नोन एज? फेमाइन. एंड वन हु मैनेजेस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैनेज करने का काम कौन करता है? मैनेजर करते हैं. सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु मैनेजेस इज मैनेजर. देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर फैमिली. एक ऐसा ग्रुप जिसमें पेरेंट्स भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? वन सिंगल वर्ड में अगर उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जहां पे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो कंबाइंड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फैमिली. ऑब्वियस सी बात है, व्हाट वी कॉल इट? फैमिली. पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वॉटर. ऐसा कोई पीस ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ वॉटर हो, इट सराउंडेड बाय वॉटर ऑन ऑल साइड्स, वो क्या होता है? आईलैंड. क्या बोलते हैं उसे? I land. तो देखो इस तरीके से आपने यहाँ देखा, there are group of words that is almost one sentence और उससे one word के अंदर हमने उसको explain किया है. तो these are known as one word substitution. Okay? So I hope ये topic आपको clear है. Now we'll move to our next topic.
ओके सो सी द नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं चूज द करेक्ट वर्ड. हमें भी पता है आपको, सपोज आपने एमसीक्यूज जो की है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हम यूजुअली जो हम सारे सब्जेक्ट्स में करते हैं, उसमें क्या ऊपर एक क्वेश्चन होता है, उसके नीचे फोर ऑप्शंस होते हैं और आपको उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो चूज करना होता है, बिकॉज वो करेक्ट ऑप्शन आपका आंसर होता है. तो जब हम बोलते हैं चूज द करेक्ट वर्ड, उसका यही मतलब होता है कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको क्या होता है, एक वाक्य दिया होता है और इस पूरे वाक्य के अंदर एक फिलअप होता है, रिक्त स्थान होता है, एंड वाक्य के आगे कोष्टक में दो शब्द दिए होंगे, टू वर्ड्स विल बी गिवन टू यू, एंड आपको उसमें से जो सही शब्द है ना उसको उस फिल इन द ब्लैंक के अंदर भरना होता है. समटाइम्स ये जो प्रश्न होता है ये मल्टीपल चॉइस के रूप में भी पूछा जा सकता है, दैट इज क्वेश्चन दिया उसके नीचे चार ऑप्शन दिए, तो दो वे में आ सकता है चूज द करेक्ट वर्ड. वन जो वे है वो क्या होता है, वन वे इज कि आपके पास में एक सेंटेंस है, आपको उसके एक फिल इन द ब्लैंक है एंड इन ब्रैकेट यू हैव टू वर्ड्स, यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड एंड आपको उसको फिल करना है. एंड द सेकेंड वे ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपके पास में पूरा क्वेश्चन है, उसके नीचे यू हैव फोर ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक. तो इन दीज टू वेज आप चूज द करेक्ट वर्ड के एक्सरसाइज फिल करेंगे. नाउ आई हैव यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इट नाइसली आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, थ्री फोर क्वेश्चंस, उसको हम देखते हैं. तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम टू यू. सो सी यहाँ पे बिगनिंग में एक डैश है, वी हैव गॉट ओवर द सरप्राइज एंड यू हैव फोर ऑप्शंस, व्हाट, व्हेन, मेनी एंड मोस्ट. सो द आंसर इज व्हेन, when we had got over the surprise. तो आप इसमें fill in the blank में यहाँ पे when को tick करके वहां पे आप blank में when fill कर देंगे, ठीक है? तो ये आपका correct answer. The dash of the Germans was waving a bottle above his head. So one of the, two of the, long of the, या many of the, आपके पास four option है. तो आपका answer क्या होगा? One of the German was waving a bottle over his head. आपके पास जो options हो ना आप उनको बोल के देख लिया करो. जैसे first वाले में देखो, what we had got over the surprise, when we had got over the surprise, many we had got over the surprise and most we had got over the surprise. तो obvious ही बात है कि when ही यहाँ पे suitable है. और यहाँ पे देखो, वन ऑफ द जर्मन, टू ऑफ द जर्मन, लॉन्ग ऑफ द जर्मन एंड मेनी ऑफ द जर्मन. सो ऑब्वियस ही बात है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए वाला जो है, वन ऑफ द जर्मन. थर्ड वाला देखो, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स डैश इन हर लैप, हर हैंड्स फोल्ड इन हर लैप, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, हर हैंड्स पुटिंग इन हर लैप एंड हर हैंड्स लाइक इन हर लैप. सो ऑब्वियस ही बात है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, फोल्डेड इन हर. She was gazing out at the window. ठीक है, she was gazing out at the garden. She was gazing out at the lawn and she was gazing out at the these. तो obvious ही बात है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, she was gazing out at the. क्योंकि विंडो के ऊपर तो आप नहीं देख रहे हो ना, एट द कि आप किसको देख रहे हो, आप विंडो को देख तो नहीं रहे हो, आप विंडो में से देखते हो, थ्रू द विंडो. तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, she was gazing out at the garden, that is option number A. So ये इसका choose the correct answer. So this way, जैसे हमने first में choose किया option number B, second में हमने choose किया option number A, third में B, third में कौन सा किया B, fourth में again A वाला. तो this way आपके पास एक sentence है, you have a blank in it, आपके पास में four options है, you have to choose the correct answer from it. And sometimes ऐसा होगा, there will be a sentence जिसमें एक blank होगा, in bracket, उसके सामने एक bracket में you have two words, आपको उन दो में से ही एक correct answer उसमें choose करके उसको अंडरलाइन कर दो, टिक कर दो और जो ब्लैंक दिया है उसके अंदर फिल कर दो. तो दिस वे हम बोलेंगे कि जो हमारी ये एक नेक्स्ट जो हमारा वोकैबुलरी का क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट वर्ड, ये जो एक हमारा उसका एक सेक्शन है, तो वो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे. ओके, नाउ एक नेक्स्ट और है, बहुत ही स्मॉल सा, छोटा सा एक टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम उसको करेंगे, दैट इज साउंड. साउंड आप समझते हो क्या होता है, ध्वनि, आवाज, ठीक है? So, इस टाइप के क्वेश्चंस में भी वही चीज होती है, दैट आपके पास में कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, सम लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अंडरलाइंड, आपके कुछ वर्ड्स दिए हैं उसमें से कुछ लेटर्स अंडरलाइंड होंगे, राइट इन द ब्रैकेट
वर्ड्स गिविंग डिफरेंट साउंड, तो इसमें से वो वाले उसको आपको ब्रैकेट के अंदर वो वर्ड लिखना है जो वर्ड डिफरेंट साउंड दे रहा है. लाइक आपको फोर वर्ड्स दिए गए हैं, उसके अंदर दो दो वर्ड सब में सेम है और वो सेम साउंड्स दे रहे हैं, बट एक होगा जिसके अंदर वो डिफरेंट साउंड देगा और उसको आपको अलग से इसमें ऑड वन आउट करके लिखना है. सो सी, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपके पास चार ऑप्शंस होंगे ए बी सी एंड डी. ठीक है, हर वर्ड के एक या दो अक्षर अंडरलाइन किए हुए होंगे. इनमें से तीन शब्दों में जो अंडरलाइन किए गए अक्षर हैं उनकी सेम साउंड होगी, बट एक शब्द में जो अंडरलाइन किए हुए अक्षर है वो दिखने में तो सेम होंगे बट वो साउंड क्या देंगे, अलग देंगे. तो ऐसा जो अलग साउंड देने वाला वर्ड होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा जिसे हमें ऑड वन आउट करके लिखना है. सो सी एक्सरसाइज, देखो, सम लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अंडरलाइन, राइट इन ब्रैकेट द वर्ड्स गिविंग डिफरेंट साउंड. निम्नलिखित शब्दों के कुछ अक्षर रेखांकित हैं, भिन्न ध्वनि वाले शब्दों का जो वर्ड है उसको कोष्टक में लिखिए, जो शब्द है उसको कोष्टक में लिखिए. सो सी अबाउट, लाउड, अराउंड, थॉट, इन चारों में ओ और यू को अंडरलाइन किया है. फोर के फोर में देखने में तो ओ यू अलग है बट जस्ट आप देखो, बोल के देखो, अबाउट, लाउड, अराउंड, तो सब में तो आउ आउ वाली साउंड सेम है बट थॉट में देखो वो ओ की साउंड आ रही है. सो थॉट को आप टिक करके अलग से लिख दोगे तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा. जो डिफरेंट है ना इसमें से, जो आप फाइंड करोगे डिफरेंट साउंड वाला, वही आपका करेक्ट आंसर होगा. नाउ नेक्स्ट, सेकेंड वाला देखो, बेंच, लंच, स्टमक, चेंज. अब सी एच सब में अंडरलाइन है. नाउ सी, सी एच इज गिविंग द सेम साउंड इन थ्री वर्ड्स, दैट इज बेंच, लंच, चेंज. च की साउंड दे रहा है बट स्टमक में बोलो स्टमक है वो सी एच, बट विच साउंड इट इज गिविंग, क की साउंड दे रहा है. सो स्टमक इज द करेक्ट आंसर. आप उसको ऑड वन आउट आप टिक करके ब्रैकेट में स्टमक लिख देंगे. नाउ सी, शूट, सून, लुक, बून. नाउ देखो, शूट, सून, बून, सब में ओ ओ की साउंड आ रही है. अब लुक में यू की साउंड आ रही है, लुक. अब आप लुक को एल यू के भी कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो ये जो है आपका लुक यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है. देन वॉल, कॉल, बॉल, सेल, सबके अंदर अंडरलाइंड वर्ड कौन सा है, ए, बट वॉल, कॉल एंड बॉल यहाँ पे सब में सेम साउंड आ रही है, जो ओ की साउंड आ रही है, बट सेल में देखो से ए की साउंड आ रही है. सो सेल इज द डिफरेंट वन. सो टिकट एंड उसको ब्रैकेट में आप लिख देंगे एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ बाउ, थ्रो, लोन एंड बो, बाउ नहीं, बो, लोन, थ्रो और काउ, सब में देखो ओ अंडरलाइंड है बट ओ इज गिविंग द सिमिलर साउंड इन बो, लोन एंड थ्रो, ओ, बट काओ में देखो काओ आ ओ की साउंड दे रहा है, आ एंड ओ टुगेदर, सो दिस वन इज डिफरेंट. सो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट आउट करेंगे, टिक करेंगे एंड ब्रैकेट में लिख देंगे. नाउ द सिक्स्थ वन इज अपॉन, पुश, पुल, बुश. सो यू कैन सी सब में यू अंडरलाइंड है, सो पुश, पुल एंड बुश, they all are giving us u sound, but upon it is also u underlined here, but upon it is giving a sound. So this one ko hum tick karenge, bracket mein likhenge as this is the different one. Now see the next one, seventh is that, ball, fat, cat. Sab mein a underlined hai, but that, fat and cat, isme similar sound hai, but ball jo hai, uske andar o ki sound de raha, so ball is different. Theek hai? So, उसको टिक करेंगे एंड ब्रैकेट में लिख देंगे एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर. इनहैबिटेंट, राइट, फाइट, काइंड, ऑल सबके अंदर आई अंडरलाइंड है बट सी राइट, फाइट एंड काइंड, इसमें आई जो है आई का साउंड दे रहा है बट इनहैबिटेंट में ई का साउंड दे रहा है ये आई. सो इनहैबिटेंट इज द डिफरेंट वन, टिकट एंड राइट इन द ब्रैकेट एज अ करेक्ट आंसर. नाउ सी सेलर, बेटर, लेटर एंड बिटवीन. सो देखो सेलर, लेटर एंड बेटर सब में ई अंडरलाइन एंड ये ए की साउंड दे रहा है, बेटर, सेलर, लेटर, बट बिटवीन में बी ई की साउंड दे रहा है. यहाँ भी ई ही अंडरलाइन है बट यहाँ पे जो साउंड है बिल्कुल डिफरेंट है. सो ये यहाँ पे इसको आप टिक करेंगे एंड यू विल राइट इट इन द ब्रैकेट एज योर करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट इज सिंग लाइन हाइव एंड टाइम. सबके अंदर अंडरलाइन कौन सा है? आई इज अंडरलाइन इन ऑल द फोर वर्ड्स. बट सी लाइन हाइव एंड टाइम इज गिविंग द सेम साउंड आईज. बट सिंग इन सिंग अदर्स थ्री के अंदर ये आई का साउंड दे रहा है. बट वेन वी टॉक ऑफ सिंग ये कौन सा साउंड दे रहा है हमें? ई का दे रहा है, सिंग ई साउंड. सो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ऑड वन आउट, दैट इज डिफरेंट एंड हम उसको सेपरेट आउट करके अलग से लिखेंगे. ठीक है. बीस्ट लीस्ट रीच एंड रेडी. सो देखो बीस्ट लीस्ट एंड रीच एंड रीड सब में ई ए ही अंडरलाइन है. बट बीस्ट लीस्ट एंड रीच ये क्या है? ये इन सब के अंदर तीनों में सेम साउंड है. बट वेन वी टॉक ऑफ रेडी तो रेडी यहाँ पे बिल्कुल ए की साउंड दे रहा है, वहां पे ई की दे रहा है. सो रेडी को आप टिक करेंगे एंड यू विल राइट इट इन द ब्रैकेट एज योर करेक्ट आंसर. सो दिस वे आई होप आपको समझ में आ गया हाउ यू आर गोइंग टू सेपरेट आउट अ वर्ड दैट इज इन लुकिंग इट इज सिमिलर टू द अदर थ्री ऑप्शंस बट व्हेन वी टॉक ऑफ द साउंड इट इज गिविंग तो वो उन तीनों से बिल्कुल अलग होता है. एंड द वन विच इज डिफरेंट उसको हम बिल्कुल अलग से निकाल कर उसको टिक करते हैं एंड द ब्रैकेट गिवन इन द फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन उसमें उसको हम लिख देंगे. सो दैट विल बी आर करेक्ट आंसर. So this way the topic sound of the vocabulary is finished and this is all for our today's class. You go through these three topics and I hope you will understand it nicely as it is explained well to you and aap usko samjhenge dekhenge and I hope aapko usme koi difficulty nahi aayegi and in tomorrow's class we'll be taking up a new topic. Till then go through it, study well and take care of yourself.